गोरखपुर जिले के मुसापार गांव की लड़कियां शाम होते ही घरों में कैद हो जाती हैं। इसकी वजह कुछ और नहीं, शराबियों का खौफ है। इसी खौफ के साए में रह रही एक लड़की के मैसेज ने दो दिन से पुलिस महकमे में हड़कंप मचाया था। मामले का संज्ञान लेकर एडीजी अखिल कुमार द्वारा शुक्रवार को चौपाल लगाकर महिलाओं को बालिकाओं की शिकायत सुनी गई। इस दौरान एडीजी द्वारा अवैध शराब बनाने और बिक्री करने पर रोक लगाने के लिए चौपाल में मौजूद महिलाओं व बालिकाओं को आश्वस्त किया गया। साथ ही संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि अवैध शराब के कारोबार में लिप्त कारोबारियों को जल्द गिरफ्तार कर अवैध शराब बनाने और बिक्री करने पर पूर्णतः अंकुश लगाया जाए। इस दौरान एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी, सीओ चौरी चौरा योगेंद्र सिंह और कैंपियरगंज थाना प्रभारी अनूप कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आप भी इसी गांव की हैं? हाँ, इसी गांव का। अच्छा, आपका जी बरौलिया के दो दिन पूर्व किसी ने बताया और गांव की कोई बच्ची थी, महिला थी, उन्होंने ये बताया। इसी माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई कि गांव की लड़की महिलाएं बच्चियां जो गांव में कच्ची या महिला पुलिस अधिकारियां अभी रहेंगी इस गांव में और वो घर घर जाएंगी, इतने अन्य सभी घरों में जाएंगी, महिलाओं से मिलेंगी और अपना नंबर और संबंध बना के रखेंगी, ठीक है ना, ताकि उनको आपस में सीधे हमारे बच्चियों से और महिलाओं से संपर्क रहे, उनके माध्यम से हमें सूचना मिले, ठीक है ना। ये यहाँ पर आप तो जान रहे हैं, इस गांव के आपको तो कौन है, आप तो गांव के हैं? प्रधानाचार्य हैं। कौन है, टीचर कौन है? आप हैं? क्या शुभ नाम है? पांडे जी। कब से हैं, कहाँ, यही गांव में रहते हैं? अच्छा, तो यहाँ का बीट पुलिस ऑफिसर कौन है? हाँ, नहीं, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बताओ तो, ठीक है, कैसे पता नहीं, वो मैं जान अपनी व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोगों ने